बेसिस, दिस इज फंडामेंटल चैप्टर नाइन क्लास नाइन साइंस इज व्हाट वी आर डूइंग चैप्टर थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जिस स्टूडेंट का ये चैप्टर अच्छा हो गया ना, वन और टू चैप्टर शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, दिस चैप्टर इज द फंडामेंटल। बिफोर आई स्टार्ट विद अदर थिंग्स, लेट मी जस्ट हैव अ क्विक, जल्दी से क्विज मुझे तुम लोगों ने, यू हैव टू गिव मी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट आई एम पुटिंग इन द चैट बॉक्स एंड शुड कम इमीडिएटली। ओके राइट, बी रेडी। ओके जो केमिकल सिंबल है उसमें याद रखना, पहला वाला जो लेटर होता है बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। जैसे क्लोरीन है, सी कैपिटल होगा, एल विल बी स्मॉल। जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज। कई बार मेरे से गलती हो सकती है टाइप में, बट यू शुड नो कि करेक्ट तरीका ये। ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? गो। भेजना अभी भेजो भेजो। ओके चलो, तो टॉप थ्री के लिए ताली बजाने वाला हूं मैं, कुछ बाकी पता नहीं कि कहीं चीटिंग कॉपिंग तो नहीं होगी। वैभव आद्य ठाकुर एंड खालिद खान, वैभव सिंह राठौर नेक्स्ट, जल्दी क्विकली। ओके गुड, सर जैसे हमने ये एलिमेंट्स याद किए, इनके एटॉमिक नंबर भी ऐसे याद कर लेंगे। एटॉमिक नंबर याद करना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आर्गन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन? या जल्दी जल्दी, आज आज की क्लास में जो सिखाऊंगा वो भी याद करना जरूरी, तब पर जब तक ये नहीं याद होगा वो नहीं याद होगा। ये ना लड़का बिल्कुल बेवकूफ है अनंत। ओके ठीक है, 18 इज राइट एंड द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑन द अर्थ, एटमिक नंबर। एक्टिविटी सीरीज जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है 19। बहुत अच्छा, सर क्लैपिंग नहीं हुई। अच्छा क्लैपिंग नहीं हुई है, क्लैपिंग जरूरी भैया। ओके सो इस बार है वैभव प्रताप सिंह राठौर, प्रताप भी लगता है ना तेरा, नो बढ़िया सर, कुमार सिंह नाम। राठौड़। हाँ सर कुमार सिंह राठौड़। वैभव कुमार सिंह राठौर, इतना लंबा नाम, कई बार ना पुराने वो स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं यार तेरा इतना लंबा नाम है, जब तक तो नाम पूरा बंदा निकल जाता है। ओके राघव कसाना, अरे भैया वो लिखना था, खालिद खान आद्या ठाकुर, बढ़िया गाइस। चलो अब हमें तो सर एक समझ में आ गया डाउट मुझे, था, बस एक, हाँ एक मिनट दे रहा हूँ, एक मेरा भी लास्ट एक डाउट लास्ट था। लास्ट 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 लास्ट, लिथियम, लिथियम एटम नंबर, चलिए आद्या ये हर्षिता का आंसर ही नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? फोर नहीं है लिथियम का, थ्री है। ओए लिथियम आयन बैटरी होती है, याद हो डाला गया? हाँ हर एक वॉच में यूज हो रही है आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी। तो आई सी, आई थिंक माहित का तो मैसेज आ गया था, अभी अनंत को छोड़ के बाकी सब लोग हैं क्लास में, वह एक बार चेक करेगा जरा। अनुकल्प है, खालिद है, माही, माही का मैसेज आ गया, उसके बाद ऋषित है, सोनाक्षी है, वैभव। ओके ठीक है, सब ठीक है। या भरत प्लीज शूट योर डाउट। सर, इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट करती है? सर ना, इसीलिए सारे जो सेल होते हैं सीएफएल होते हैं, बल्ब होता है उसके अंदर इनर्ट गैसें भरी जाती है, क्योंकि वो किसी रिएक्ट नहीं करती,
तुम बोलोगे सर वैक्यूम क्यों नहीं कर देते अंदर, वैक्यूम से बल्ब के टूटने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर, तुमने सुना होगा हेलोजन लाइट बोलते हैं ना, हेलोजन लाइट, उसकी शादी में हेलोजन लाइट लगाई थी यार, मजा आ गया। ये सब लाइट, ये जो गैसेज है वो अंदर इसलिए डाल जाती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती भारत। ओके सर। ओके दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस हैव नाउ बीन एबल टू डू दिस। अच्छा ए वन जस्ट वन लास्ट एक्सरसाइज, कीप इट रेडी, टाइप ऑल द 20 एलिमेंट्स इन द सीरीज, डोंट राइट 1 2 3 4, इफ यू कैन राइट राइट। ओके आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ओके सर, वो सर क्या करना है? सर कैसे लिखना है वो सिंबल एक लिखना से लेके 20, जैसे जैसे लिखना है 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम, 1 से लेके 20 तक, जस्ट टाइप इट आउट क्विकली, यू हैव 30 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके 6 से शुरू हुआ। ओके नहीं तो मैं टाइमर ही लगा देता हूँ। जल्दी 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 जल्दी, हैव फेथ ऑन मी, दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। ओके 10 9 8 7। सर अच्छा चलो टाइम दे रहा हूँ, टाइम दे रहा नहीं हुआ, टाइम दे रहा टाइम दे रहा, करो करो करो। ओके डोंट मेक ए मिस्टेक प्लीज, चेक इट, आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट, बिकॉज नहीं तो फिर एटॉमिक मास याद करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके 1 मिनट इज ओवर, बट टेक टाइम, टेक टाइम, टेल मी व्हेन यू आर डन। डन सर। डन। ओके बाकी लोग, जस्ट 30 सेकंड। ओके ओके कंप्लीट करो कंप्लीट करो। सबसे चाहिए मेरे को ऋषित, सबसे पहले भाई जिसका मैं नाम लूंगा वही डालना प्लीज, लाइन के साथ मत डालना, जिसका मैं नाम लूंगा वो डालना लाइन के बाद, ये लाइन मैं हटा ही देता हूँ, मैं लाइन नहीं भेज रहा हूँ, जिसको मैं नाम लूंगा उसको उसको वो डालेगा, मैं देखूंगा ना, मुझे पता है कि कौन कौन थोड़ा सा पीछे है, उसको खींच के लेके आना है आगे। ओके रेडी हो गया सबका? ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ वो डाल देना भाई अभी मैसेज में। ओके सबसे पहले पूछता हूँ ऋषित को, ऋषित प्लीज पोस्ट, ऋषित, हर्षिता जल्दी, हर्षिता जल्दी, भरत क्विकली, वैभव, वैभव नेक्स्ट। सर भेज दी। ओके हर्षिता का नहीं आप तक, भरत का हो गया। ओके अनुकल्प, खालिद, आद्या, अनुकल्प, अनुकल्प का आ गया। ओके देखता हूँ उसमें गूगल वाले कौन कौन से हैं। सर मेरा 2-3 में स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ठीक है ऑल राइट। सब फ्लोरीन होता है कि सबसे फ्लोरीन क्लोरीन होता भी, क्लोरीन होता है 9 पे, है? सॉरी यस क्लोरीन होता है 9 पे, क्लोरीन है, सर। फ्लोरीन, फ्लोरीन है 9 पे और 17 पे है क्लोरीन। सर ओके फ्लोरीन में फ्लोरीन होते हैं या फ्लोरीन एफ, ओनली होता है? एफ, ओनली एफ,
एक्चुअली ध्यान रखना FLUO है या FLO है? FLO, फ्लोरीन। पर ध्यान रखना केमिकल सिंबल सिंगल ही होता है। हाँ जब कंफ्यूजन मचने लगे जैसे कैल्शियम कार्बन क्लोरीन तब दो यूज होंगे। कार्बन का C सबसे पहले आया, क्लोरीन का CL और कैल्शियम का CA। सेकंड लेटर तभी आता जब कंफ्यूजन का चांस हो। बहुत बढ़िया राघव। अच्छा वैभव। बढ़िया 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 वैभव ठीक है। खालिद ओके चलो सर, सेकंड मैंने सेकंड वाला सर एक बार दोबारा टाइप किया हाँ, मैंने। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑनेस्टी रखना मेरे साथ, गलती कर देना। सर हाँ राघव ने राघव ने 10th में आयरन लिख दिया है नियॉन की जगह। अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ। 10 में इसने अच्छा Fe लिख दिया। दोस्त Fe नहीं होता वो, Fe तो आयरन का होता है वो बाद में आएगा। यहाँ पे आपने लिखना था नियॉन एनी। कोई बात गुड ओके ठीक है। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि चीटिंग मत, मेरे से चीटिंग नहीं कर रहे हो अपने से करो। मेरे स्टूडेंट बस मेरे से ईमानदार रहे, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। हर्षिता सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बनकर बोल। सर मैं कह रहा हूँ सर, मैंने डाले सर, देख लो सही है देख लिया मैंने, काफी सही है काफी सही है। ओके सर, मैं दोबारा टाइप किया बट वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ठीक है ओके। दोस्तों अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि जो एक एक हर्डल थी, एक जो वो था आपकी ऑब्स्टिकल था वो आपने पार कर लिया फर्स्ट 20 का। ठीक है नाउ आई विल टेक यू टू द सेकंड वन व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ। सी 20 से भी ज्यादा एलिमेंट शेयर करने से 20 से काम वो चल करेंगे जाता वो है बाद में करेंगे, डाउट अभी जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं। ओके सो हाँ भाई बोल। सर। वो सर ब्रिटिश लोगों को किसने सिविलाइज करा था? ब्रिटिश लोगों को सिविलाइज किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दिन मैं तुम्हें ब्रिटेन की स्टोरी सुनाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, छोटा सा मजा दे देता हूँ। ये है यूरोप, ये है पूरा का पूरा कैथोलिक। कैथोलिक लोग वो होते हैं जो पोप जो बोलता है उसी बात मानते हैं। बाइबल की जो व्याख्या है, पोप ने बोला कि एक्चुअली क्राइस्ट ये कहना चाह रहे थे, यार तुम समझो, क्राइस्ट ये कहना चाह रहे थे कि पो जो जो प्रीस्ट है उसको रोजाना 4 लड्डू लेके आने तुम्हें देने, वो समझो क्राइस्ट के पास पहुंचे। तो कैथोलिक बोलते हैं सर हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हम रोजाना 4 4 लड्डू लेके आएंगे हर घर से ताकि आपका खाना पीना सही चलता है। वो है कैथोलिक। लेकिन इससे परेशान होके, यूरोप से परेशान होके कुछ लोग यहाँ बस गए, जो कि एक आइलैंड था जो कि सिर्फ 40 माइल्स है और जिसका नाम था इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो लोग जाके बसे उनका नाम था प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्ट करते थे, क्यों? वो कहते थे ये जो पादरी बोल रहा है गलत बोल रहा है, हम सिर्फ एक बात मानते हैं वो है बाइबल। इसलिए सारे प्रोटेस्टेंट यहाँ बसने शुरू हो गए थे, इसीलिए इस तरह से इंग्लैंड बना। ठीक है इसीलिए इंग्लैंड बाकी यूरोप से अलग था। सर रोमन्स ने नहीं और करा था नहीं सिविलाइज? नहीं रोमन्स का तो अपना राज्य था, उसमें क्या सिविलाइज करना, क्या रोमन्स नहीं किस सर चीज को रोमन्स सिविलाइज करते भी हैं? तो सर इंग्लैंड तो में गए इस तरह से हम कह सकते हैं रोमन्स ने फ्रांस को भी सिविलाइज किया। फ्रांस में उनका राज था, जर्मनी में भी उनका राज था, रोमन साम्राज्य तो पूरे में फैला हुआ था, टर्की में भी था। ओटोमन एम्पायर से पहले, ओटोमन एम्पायर से पहले वहां बेजेंटीन एम्पायर था जो कि रोम का ही एक हिस्सा। तो रोम ऐसे तो कहने को कह सकते, रोम ने सबको सिविलाइज किया। ओके चलो उस बात को छोड़ दिया, अभी इधर आ जाए। ओके दोस्तों हाइड्रोजन 1 क्यों क्लिक कर रहा हूं, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20।
ये तो है सारे के सारे एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे होता है तो उसका यहाँ होता है एटॉमिक नंबर एन, लेकिन उसको एन नहीं लिखते हम लोग, जेड लिखते हैं, उसका सिंबल जेड है। यहां होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तुम्हें याद करना है बस, इसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, बाकी बहुत सारी चीजें कर लेंगे। अच्छा वैलेंसी तो याद होगी ना सबको अभी यार, वैलेंसी में तो कोई टेंशन नहीं। देखो वैलेंसी में एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था तुम लोगों को वैलेंसी कितनी, मैं अब लिख रहा हूँ सर वो पूरे पैटर्न में जाता है 10 1 2 3 पैटर्न में। फोर अब फोर देखो थ्री टू में। यहाँ यहाँ वैलेंसी समझ लो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हीलियम की वैलेंसी 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4। 4 के बाद कम होनी शुरू हो जाती है, 8 में से माइनस हो जाएगा, 3 2 1 0। अनुकल्प नो प्रॉब्लम, हर्षिता नो प्रॉब्लम, ओके। 1 वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4, वैलेंसी 3। 4 के बाद फिर वापस कम होना शुरू हो जाता है। ये 1 0 तो खैर केस ही अलग है, 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0 एंड 1 एंड 2। भरत क्लियर? भरत क्लियर? यस सर, मुझे वैलेंसी कल समझाई तो थी, आउटर मोस्ट जितना होता है। नहीं नहीं वो सपोज करो आपने क्या ये भी क्या नंबर समझ निकालते कैसे वो भी समझ नहीं आया। सर पहले तो तुम्हारी आवाज कट रही है, तो बस आराम से बताओ क्या क्या नहीं समझ में आया। आई डोंट नो हाउ टू टेक आउट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ओके तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ खाली। सर 17। ओके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑर्बिट्स में, पहले में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। सर 2 8 2 8 8 एंड 8 कैसे, 17 है टोटल तो 2 8 7। 7। अच्छा मैंने बोला है कि जब अगर 4 से ज्यादा है तो ये वाला लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको 8 में से माइनस करते हैं, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ऐसे वैलेंसी मिलती है। यस सर, ओके ओके सर, ओके। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, सोडियम को बताओ कितना है इलेक्ट्रॉनिक 11 एटॉमिक नंबर, 11। कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सर 2 8 1। 281। तो जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में होंगे उसमें होंगे वो वैलेंसी हो जाएगी, वैलेंसी 1। वैलेंसी मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी, जब ये आयन बनेगा तो ये एन ए एक खाली प्लस बनेगा, खाली प्लस, और ये बनेगा सी एल खाली एक माइनस, बाद में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये मतलब और एक प्लस और एक माइनस। क्लोरीन माइनस क्यों हो गया। मैं बताऊंगा क्लोरीन माइनस क्यों, अभी बताऊंगा रुको। चलो बता ही देता हूँ। देखो दोस्त एक बात बता, ये क्लोरीन जो था ये यहाँ पे न्यूट्रल था, लेकिन जैसे मैंने कल कहानी सुनाई थी वो बाइबल की, इनकी आत्मा तड़प रही है, इनको 8 पूरा करना है। अगर ये 8 पूरा करने का तो कैसे पूरा हो, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये। हाँ भाई खालिद, अभी यस तो ये सर, बीच यस बीच में सर, वॉशरूम चला जाता है खालिद। हाँ यस सर, सुनाई थी हमने कोई कहानी। यस सर, 8 पूरे करने होते हैं। पूरे करने होते हैं तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ले लाए, ले लेगा किसी से यस इलेक्ट्रॉन, सर, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। सर 6.692। वो तो ठीक है, मैं मेरा क्वेश्चन राघव से है, राघव क्या रशीद, रशीद इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव भगवान मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी यार, तो अगर मेरी बॉडी कहीं फोर्टी गई गई तुम्हें लटकी हुई तो ध्यान रखना ऋषित के सिर पे इल्जाम जाना चाहिए। सर, वो फोटोन को होता है ना, वो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव होता यार राघव इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, है। ये नेगेटिव चार्ज होता है यार, ये तो दुनिया पागल होगी इस बात को जानते हुए। हे भगवान, तू जाके ब्रिटेन को सोशलाइज कर ले और सिविलाइज कर ले, तू मत होना। सर हीलियम, हीलियम की वैलेंसी 0 कैसे वाइट होगी। वाइट वाइट खाली खान, पहले मुझे एक बार ये पॉइंट सब क्लियर करना है, तुम लोगों को ये नहीं पता कि किस कौन से पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है। आधे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है,
पॉजिटिव। वैभव न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निकल। सर अनुकल्प नहीं है मीटिंग में सर, ओके भरत आप बता दो फिर। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। यार राघव ऋषित कुछ तो शर्म करे यार। ओके सो ये क्लोरीन न्यूट्रल था, इसने किसी का एक ले लिया इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रल के ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा तो कैसा हो जाएगा खालिद? नेगेटिव बन जाएगा वो, नेगेटिव, इसलिए सीएल नेगेटिव हो जाता है। और सर वो हीलियम की वैलेंस शीट 2 कैसे, वो मतलब 0 कैसे? ये तो पहले इसको समझ लेगा या नहीं? सर ये तो बीच में समझ शुरू हो गया जाएगा, मैं। फिर बीच में शुरू हो जाएगा। कल साला इतना डिटेल में सुनाया था, फिर तो शुरू हो गया। सर मुझे नहीं समझ में आया। थोड़ा तो सब्र रखेगा तभी तो समझेगा। खालिद यस सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम एक कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से तभी तो काम चलेगा। मुझे कुछ लग रहा दिक्कत है खालिद। देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई एम सेंसिंग समथिंग विच इज नॉट करेक्ट एट योर एंड। खालिद खान यस सर। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। एनीवे सो सोडियम विल लूज आउट एन इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन द सोडियम विल लूज आउट एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव और ये तो बंदा था पूरा का पूरा न्यूट्रल। अब यार न्यूट्रल में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव वैभव बराबर होते हैं। वैभव यस सर, नेगेटिव इसका कहीं और चला गया तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा ना। आद्या भरत यस राघव। सर, यस सर। तो चलिए तो दोस्तों उसमें देखने वाली एक बात ये, देखने वाली बात ये है, ये जो नेगेटिव आयन होते हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव आयन। एक्चुअली साइंटिस्ट थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं तो उन्होंने इसको एन आयन बोलना शुरू कर दिया। एन आयन और सर इसको क्या बोलते था? हैं क्या कैटायन। हीलियम के तो भैया सर वो पूरे के पूरे पॉजिटिव पूरा। नेगेटिव को तो सर वो रोबोटिक्स लैंग्वेज में एनोड कैथोड बोलते हैं। अब तो चुप हो जा खाली, तूने वैसे मेरा फ्यूज उड़ा दिया। ओके हीलियम की भैया इसलिए क्योंकि हीलियम के पास अपना ड्यूएट पूरा है, हीलियम को किसी की जरूरत नहीं, इसलिए इसकी वैलेंसी जीरो। ओके दोस्तों अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं। मुद्दा मेरा ये था कि जो एटॉमिक मास होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब तुम्हें ये चीज रटनी है जो मैं अगली वाली बता रहा हूं। मैं बहुत कम चीजें बोलता हूं रटने के लिए बट ये रटना है। सात एलिमेंट ऐसे हैं 1 से 20 तक जिनका का एटॉमिक मास एग्जैक्टली डबल है, तीनों की तीनों नोबल गैसेस। तो हीलियम का 4, नियॉन का 20 और आर्गोन का 36। यानी कि जितना एटॉमिक नंबर है एग्जैक्टली डबल एटॉमिक मास है, जितने प्रोटॉन थे उतने ऑक्सीजन न्यूट्रॉन है। हाँ जी ऑक्सीजन का भी से अगेन आद्या। सर, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन हाँ बता रहा हूँ, ऑक्सीजन का भी। मैं याद करने का तरीका बेटा, का 16 है। हाँ आई आई देखो मेरी आदत क्या है ना, मैं ऐसे बताता हूँ स्टूडेंट को ताकि उनको रिमेम्बरिंग इजी हो, बिल्कुल आसानी के तरीके से हो जाए। तो मैंने कहा टोटल 7 एलिमेंट ऐसे हैं इन 20 में से, आउट ऑफ 27 आर देयर विच हैव गॉट टोटली डबल। ये डबल वाले बहुत आसान है इनको याद करना। जिस बच्चे को इनका एटॉमिक मास याद हो गया उसको उसका एरिया। इसके अलावा ये तीनों इकट्ठे खड़े हुए CNO, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 16, 14 एंड ऑक्सीजन का 16। और इसके अलावा दो और हैं। अच्छा आई थिंक नहीं नहीं ज्यादा हो जाएंगे, 7 से ज्यादा हो जाएंगे। दोनों के दोनों सिलिकॉन और सल्फर, इनका भी करेक्ट है 28 एंड 32 और C40। अच्छा ज्यादा हो गया, मेरी कैलकुलेशन ज्यादा हो गया। यानी कि आर्गन तीनों की तीनों गैस मिला लो तो ये चेंज कर रहा हूं इसको। आउट ऑफ 20 थ्री इनर्ट गैसेस, ये तीन का जोड़ा, ये दो एस वाले और एक सी वाला,
टोटल मिला के 9 ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली डबल है, तो इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इनका एटॉमिक नंबर पता है तो आपको एटॉमिक मास भी पता चल जाएगा, मास, बाकी के रटने पड़ेंगे। कैसे देखो, हाइड्रोजन का भैया 1 का 1 ही, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन 1। लिथियम इज 7, बेरिलियम इज 9, बोरोन इज 11। अब ये याद करने पर जान जाएगी, फ्लोरीन इज 19, फ्लोरीन इज 19, सोडियम इज 23। अब ये रटने में दिक्कत आएगी, मैग्नीशियम का तो 24 है शायद, मैग्नीशियम मैंने क्या छोड़ दिया, नहीं 25, 25, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस इज 31, क्लोरीन इज 35.5। तुम बोलोगे सर ये पॉइंट में कैसा आ गया, ये न्यूट्रॉन आधा भी होता है क्या, इसके पीछे एक अलग थ्योरी, बाद में बताऊंगा। तो ये सब एटॉमिक मास है ना, ये एटॉमिक मास, एंड पोटेशियम इज 39। अब भैया इसको तुम्हें रटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा समझ नहीं आएगा, बट मैं क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ, मुझे पता है तुम लोग याद कर लोगे अभी। तो मैंने क्या बताया, 9 तो ऐसे इनको डबल कर दो फट से, तीनों के तीनों नोबल गैसेस, उसके बाद CNO, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल, उसके बाद 2 एस वाले और 1 सी वाला कैल्शियम और सिलिकॉन, ठीक। नाउ लेट्स टेक द चैप्टर फॉरवर्ड। नाउ ऑलराइट, सो व्हेन द साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडीइंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट देम, देयर वाज साइंटिस्ट नेम एंटोइन एल लविजियर ओवर, लवी ओवर, लव इज ओवर मतलब प्यार खत्म हो गया, एंटोनियो आई एंटोइन आई लवोयर, फ्रेंच ही होगा, ऐसे उल्टे पुल्टे नाम फ्रांस वालों के होते हैं, ठीक है। उस बंदे ने बोला कि सुनो, ऐसा नहीं है कि चार प्रोटोन इसके मिलके, चार एटम इसके मिलके, चार इसके एटम मिलके जब मर्जी जो मर्जी कर लेगा, ऐसा नहीं होता। तो ही गेव अ प्रिंसिपल एंड दैट इज द बेसिस ऑफ द केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री का जो जो फादर है उसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दूसरा क्वेश्चन के ऊपर है, लव इज ओवर, ओके रुक जा रुक जा रुक जा, उसने पहला रूल दिया, तो रूल अभी एक एक बार एक एक रूल आएंगे। पहला पहला जो वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा मैं दूसरे वाली बात कर रहा था पहले, ये पहला बार है कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1। क्या कहता है, नॉट अ सिंगल एटम, ये मेरी भाषा में है ये समझने के लिए, बुक की बात, वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा तुमसे, जब एमसीक्यू में पूछे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। नॉट अ सिंगल एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल प्रोसेस और केमिकल इक्वेशन, इन मैकेनिकल, नॉट अ सिंगल एटम कैन बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर H2 है वाटर, और मैं इसको ऑक्सीजन से मिलाप करा रहा हूं इसका, तो मुझे H2O मिलेगा। अब भरत एक बात बता मेरे को, मैंने प्रोसेस कर दिया है केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, भरत एक बात बता, यहां पे रिएक्टेंट में 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहां 1 है, तो क्या ये सही है रिएक्शन, ये गलत है भरत? तो सही है, नहीं गलत है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ 1 है, तो मैं क्या करूंगा पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलूंगा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 एटम 1 में चला गया, 1 एटम 1 में चला गया। अब एक नई दिक्कत सामने आ गई मेरे राघव ऋषित,
एक नई दिक्कत मेरे सामने आ गई। मेरी दिक्कत यह है कि यहाँ पे ठीक है ऑक्सीजन का तो सॉर्ट आउट हो गया मामला, राघव ऋषित, मैं राघव ऋषित ने कंफ्यूज कर रखा मेरे को। और ऋषित सर। हाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरा मामला सॉर्ट आउट हो गया, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, यहाँ पे है 2, तो मैं क्या करूँ इसको मल्टीप्लाई करूँ। अब मेरी जो रिएक्शन बनी इसको हम बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन। अब बताओ मेरे को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन खालिद से, खालिद हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताइए कितना है, मास पूछ रहा हूँ मास। सर हाइड्रोजन का 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है दोस्तों 1, एक एटम का मास 1, तो H2 में तो 2 एटम है तो यह होगा 2 × 1, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो 2 × 2, तो टोटल कितना हो गया ये 4 यूनिट या 4 ग्राम सपोज कर। अब बात करें हम पहले यूनिट से बात करूंगा तुमसे, यूनिट एक्चुअली होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक यानी एक एटम के मास की यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट बोलते। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने बोला है कि आप यूनिट लिख दो सिर्फ, तो 4 यूनिट तो इसकी होगी हाइड्रोजन की। अच्छा भाई ऑक्सीजन का मास किसको पता है, बताओ सर मैं वो 16 16, और ऑक्सीजन का मास दोस्तों है 16, तो 2 एटम है तो 2 × 16 हो जाएगा राघव, दीक्षित नो प्रॉब्लम, हो जाए। तो ये हो जाएगा 32 यूनिट। और ये जब मिलाएंगे अब इधर देखो यहां कितना बढ़ रहा है, यहां हाइड्रोजन के 2 हैं, 2 × 1 प्लस 1 × 16, और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 1 2 प्लस 16 18 × 2 36। इधर भी देखो 4U प्लस 32U विल गिव यू 36 यूनिट, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ कंजर्वेशन का जो रूल है। और अब दोस्तों आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे बहुत फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर आते हैं, बस तुम इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, अदरवाइज ज्यादातर मैंने देखा 90% स्टूडेंट डर जाते हैं, समझ नहीं आता, इतने आसान मार्क्स होते हैं उनको गंवा देते हैं। अगर आपसे कुछ ना क्वेश्चन पूछा ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो अब ध्यान देना मैं क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ऑल राइट चैट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके खाली एक बार पढ़ के बताओ ये क्वेश्चन मेरे को, ये फर्स्ट केमिकल प्रोसेस 32 ग्राम ऑक्सीजन वॉज मिक्स विद 8 ग्राम हाइड्रोजन। आफ्टर द केमिकल प्रोसेस हाउ मच हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट। राइट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक यू गाइस कैन डू दिस, बताओ। ना तो क्रिएट कर सकते, हाँ खालिद कैसे करेंगे, खालिद यस सर। सर पहले वो ऑक्सीजन का एटॉमिक एटॉमिक मास जो उसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 से मल्टीप्लाई, नो सर डिवाइड डिवाइड। हेलो कॉल आया था आपको थोड़ी देर पहले, मेरे पास कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है ओके ओके। दोस्तों देखो बेसिकली करना क्या है इसके अंदर,
करना ये है कि हमें 32 ग्राम दिए ऑक्सीजन। देखो भरत, 32 ग्राम ऑक्सीजन है यार, सर हमें पता है 32 ग्राम ऑक्सीजन मैक्सिमम कितनी हाइड्रोजन से कंज्यूम कर सकती है, कितनी हाइड्रोजन को मिल सकती है, 4 ग्राम को मिल सकती है यार। ये देखो ये रेशियो इनका, तो क्या होगा, ये मिलके बना देगी वाटर 36 ग्राम, और जो 8 ग्राम ऑक्सीजन थी उसमें से 4 ग्राम तो पानी बनाने के लिए यूज हो गई, 8 ग्राम जो हाइड्रोजन थी, 4 ग्राम विल बी लेफ्ट आउट। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 4 ग्राम विल बी लेफ्ट आउट। नाउ लेट्स रीड अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चंस एंड लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। ओके, आई एम शेयरिंग द नोट्स। आद्या बी रेडी टू रीड, एंड आफ्टर दैट अंकल। ओके गाइस, दिस इज चैप्टर नंबर 3, लेट्स स्टार्ट। बहुत मैंने अब तक नोट्स नहीं शुरू कराए, तो मैं समझाने पे लगा रहा हूं तब से, आज नोट्स शुरू कर रहा हूं। चैप्टर 3 हरियाणा, यस हरियाणा से शुरू करते हैं। ओके, एक मिनट यार, ये बड़ी कहानी हो रही है, 9th और 10th के मिक्स हो गए, कल इनको ठीक करूंगा। होल्ड प्लीज। ऑल राइट सर, हमें एटॉमिक मास और वो भी याद करने पड़ेंगे। एटॉमिक मास याद करने, आपको पक्का कंफर्म, बिना एटॉमिक मास के कुछ नहीं हो सकता, नंबर और मास, क्योंकि उसके बिना कुछ याद ही नहीं रहता ना, वैलेंसी निकालनी आती बच्चे को। ऑल राइट, यहाँ से शुरू करें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आद्या नहीं प्रेजेंट हो रहा, एक मिनट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, laws of chemical combination, whenever reactants react together to form the products or the elements combine together to form a compound, they do this accordingly to certain laws. These laws are called laws of chemical combination. Antoni L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination, which are as follows. Okay. First now law, these two laws are extremely important. Please pay attention to this. Yeah. Okay. Number one, law of conservation of mass. It states that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. This means that any chemical reaction, the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products, and there is no change in mass during the chemical reaction. Okay. So, एक मिनट. There is no change. Okay, there is an example given. Bharat, आप पढ़ दो, अनुकल्प को मैं बाद में चांस दूंगा. Bharat, एक बार आप पढ़ो. Example one. Just guys, see ऐसे question आपके आने वाले हैं. Yeah. Example one. If 4.0 gram of sodium carbonate reacts with 10 gram of hydrochloric acid, it results in formation of 2.5 gram of carbon dioxide. And 11.5 gram of sodium chloride solution, so that these results are in accordance with the law of conservation of mass. Okay, वो कह रहा है कि दिखाओ ये किस तरह से कंजर्व, अब देखना मास कैसे करेगा वो, पहले दिखाएगा रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है, उसके बाद प्रोडक्ट का कितना है। ओके प्लीज गो अहेड। सोडियम कार्बोनेट 4 ग्राम है। ओके, भरत को मेरे ख्याल बैकग्राउंड नॉइज़ के इशू आ रहा है। ऑल राइट वैभव, यस सर, रीड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट 4 ग्राम्स प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ग्राम्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 ग्राम्स प्लस सोडियम क्लोराइड 11.5 ग्राम्स। ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज या equal to 4.0 plus 10 is equals to 14 grams. Total mass of products is equals to 2.5 plus 11.5 is equals to 14 grams. Since the reaction and the products have the same mass, this means that there was no loss or gain of mass after the reaction. Hence, the data in the agreement with the law of conservation of mass. Okay, right. रिशित आप आगे कंटिन्यू करें। नाउ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज इसको हम पढ़ेंगे, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा।
और कल तक मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग ये मास थोड़े से याद कर लोगे, और उसके बाद ये फटाफट ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। इसके बाद इस चैप्टर में कोई दम नहीं है खास, जितना दम था मैंने तुम लोगों को समझा समझा दिया। हाँ भाई, क्या तो कहा? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कॉन्स्टेंट डेफिनेट एक ही चीज है। क्या? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन, मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे वो आ रही है शाम में पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल रिएक्शन कंपाउंड द एलिमेंट आर कंपाउंड द ऑलवेज एलिमेंट्स प्रेजेंट आर इन, ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, एक एग्जांपल पढ़ दे। एग्जाम्पल इन अ कंपाउंड सच एज वॉटर द रेशियो ऑफ द मास मास ऑफ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। हाँ, वॉट एवर बी द सोर्स ऑफ वाटर। ओके, होल्ड कर ले, बाकी मैं कल समझा दूंगा, बाकी मैं मतलब आगे कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। देखो तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। इधर समझा, देखो सेकंड रूल, प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे? आपने H2O लिया, वाटर लिया, इसका अगर तुम मास निकालने की कोशिश करोगे एटम्स का, तो एटॉमिक मास इसका था 2 × 1 + 16, टोटल 18 आएगा। इस 18 के अंदर तुम देखो तो 2 तो वाटर है और 16 ऑक्सीजन का मास है। इसको सबको पता है, रेशियो का छोटा बड़ा भाई होता है फ्रैक्शन। सिंपलीफाई कर दो, 1/8, रेशियो कितना हो गया, 1:8। अब आप चाहे इंडिया का वाटर ले लो, पाकिस्तान का ले लो, रशिया का ले लो, अंटार्कटिका ले लो, आर्कटिक का ले लो, मून का ले लो, हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मास जो होगा वो हाइड्रोजन का 1:2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 रहेगा। दिस विल नॉट चेंज एज लॉन्ग एज द कंपाउंड रिमेन सेम। अगर वाटर की ही बात कर रहे हैं हम, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। नाउ लेट अस टेक अनदर अनदर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, कार्बन का सबको याद हो गया होगा अब तक, 12, ऑक्सीजन का 2 × 16, तो कितना होगा, 12:32, और 12/32, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 3:8। सर, तो बट कार्बन आपने डाइऑक्साइड टू के अंदर, सर आपने एक मिनट, टू कार्बन इंटू डाइऑक्साइड के अंदर जो रेशियो रहता है 3:8 का रहता है। हाँ, सर आपने बोलो सर खालिद, टू टू इंटू 16 क्यों किया सर आपने सर? क्योंकि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, दो एटम है यहाँ पे देखो, और एक एटम का कितना मास है, एक एटम का 16 है, तो दो का कितना होगा, 2 × 16 ओके सर, खालिद, ठीक है गाइस। बड़े बड़े सारे न्यूमेरिकल इस पर आएंगे एग्जाम में, आपके फ्री के मार्क्स हैं, मैं बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी इसकी, ताकि ये मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं, आप पकड़ लो। कल इस चैप्टर में हम आगे बढ़ के काफी कुछ करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से कल ही मैं तुम्हें मोल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, टुमारो आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आल्सो टू यू, एंड देन आई हैव टू टीच यू द केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो वी विल गिव सम टाइम टू दिस चैप्टर, इट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट डू रिवाइज। कल का वीडियो मैंने कर दिया अपलोड शायद से, आज का भी कोशिश करूंगा करने की, प्लीज को देखो हमें तीन नोट्स चीजें याद बनाओ। करनी होगी ना, एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। हाँ, तो जब तुम 20 एलिमेंट याद कर रहे हो, तो एटॉमिक नंबर, 20 एलिमेंट पहले वाले याद करते हो, एटॉमिक नंबर तो याद हो ही गया, एटॉमिक नंबर तो बचता ही नहीं, फिर उसी में एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो लगा रहे हो ना, 20 जो लगा रहे हो, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं अभी क्लास के अंदर ही, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं, मैं तुम लोगों के लिए इसके ना वो नोट्स कर रहा हूं अपलोड, चैप्टर 3 ओसवाल, पहले चलो ओसवाल के करते हैं। ओके, उसके अलावा श्रीजन के कर रहा हूं, प्लीज गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, होल्ड 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 होल्ड। ओके चैप्टर 3, ओके श्रीजन ऑल्सो हो गया, सर एक्सरसाइज। लेकिन इनके एटॉमिक मास जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास जो एग्जैक्ट होते हैं उनके, तो वो फिर डेसिमल्स में होते हैं ना? नहीं, किसके डेसिमल में, सिर्फ क्लोरीन का तो डेसिमल में है, बाकी सबका तो नहीं है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट होता है, बट उसको साइंटिस्ट ने राउंड ऑफ कर दिया, ताकि बच्चे जब पढ़े तो बच्चों को इतनी टेंशन ना लगे। ओके सर।
ठीक है, थोड़ा सा अदरवाइज होता है 0.06 0.6 ऐसे कुछ करके होता है, इट इज नॉट एग्जैक्ट, राउंड ऑफ कर दिया, नहीं तो तुम लोगों को बताया जाएगा फिर 2.9608। तुमको लगे सर ये तो नहीं याद हो रहा मेरे को, तो सर बच्चों को समझाने के लिए इसको आसान कर दिया गया है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आई हैव पुट सम क्वेश्चंस आल्सो, एंड नोट्स आल्सो, गो थ्रू दिस। ओके, बिफोर वी वाइंड अप फॉर टुडे, एनी डाउट्स इन टुडेज सेशन दैट वी हैव डन? आद्या, अनकल, खालिद, ऋषित, वैभव, नो डाउट। आद्या, खालिद, नो डाउट, ऋषित, डाउट, वैभव, नो डाउट सर। हाँ खालिद क्या कह रहा है? ओके देन, इफ इफ देयर इज अ डाउट आस्क मी टुमारो। ओके, आई थिंक आई कांट हियर खालिद। ओके गाइस, डू स्टडी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बार बार बोल रहा हूँ, डू स्टडी दिस। ओके चलो, बाय, गुड नाइट, टुमारो वी मीट अगेन। खालिद मेरे को कल बता, कल क्लियर कर दूंगा, नहीं तो भेज दे व्हाट्सएप, मेरी आवाज कट कट के आ रही है वैसे भी। चलो बाय बाय।